हाँ तो भाई बॉक्स को देख के धोखा मत खाना। बॉक्स में मैं कुछ और काम की चीज़ें रखता हूँ। ये मेरी सोल्डरिंग आयरन, मेरी ग्लूगन और कुछ और चीज़ें हैं। तो आज हम कुछ बनाने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। जो हम बनाने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ वो मज़ेदार चीज़ क्या है। जो आपने पिक्चर देख ली होगी, मैंने लगाई थी अभी अभी, और नहीं देखी होगी तो अभी बनाना शुरू करते हैं। इन पीसेस को काटते हैं और आपस में ग्लूगन की मदद से चिपकाते हैं। मेरे पास ब्लैक स्प्रे पेंट भी पड़ा है, तो मैं इसको ब्लैकआउट भी कर दूंगा ताकि ये और ज़्यादा सुंदर लगे एस्थेटिकली बेसिकली। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हाँ जी, तो मैं कटिंग के लिए ब्लेड क्या लेने गया, ये महारानी तो यहीं आके बैठ गई। स्नो स्नो उठ उठ जा उठ जा जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ उठ जा। ये देख लो, इसको इतना हल्का सा आया ना जिसकी हद नहीं है। ये दिन भर सोती है भाई, दिन भर सुबह सुबह मुझे सुबह 7 बजे उठा के और फिर सोने लगाती है। तो चलो हमारा काम स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे इसमें छोटे छोटे कटआउट्स बनाने हैं और फिर कटआउट्स को ग्लू गन से चिपकाएंगे हम आपस में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। हाँ तो जी, मैंने एक स्ट्रिप काट ली है अभी, और इस स्ट्रिप से मैं क्या करूँगा कि मैं इतना चौड़ा इसका इतने इतने चौड़े इसके 3 हिस्से बनाऊंगा, लगभग लगभग इतने चौड़े चौड़े 3 हिस्से। और फिर उन हिस्सों से होगा क्या कि एक साइड का प्लेटफॉर्म बन जाएगा, उसके साइड में ऐसे ऐसे करके इधर से 2 दीवारें ऐसे बनाऊंगा ताकि वो एक्वेरियम की जो स्ट्रेट वॉल है उसके अंदर से डायरेक्ट खांचे में फिट हो जाए। तो चलो इसके बराबर बराबर इससे काटते हैं अभी। मैंने एक पीस काट लिया, अब इतने इतने सेम 2 पीस काटने हैं जिनको हमें साइड वॉल्स बनाना है। तो 3 हिस्से हो गए एक बराबर साइज के, हम इनको ऐसे लगाएंगे साइड्स में, और इससे हमारा ये एक्वेरियम पे लगाने के लिए वॉल इकट बन जाएगी एक। इस खाचे को हम फिर उसके अंदर फिट कर देंगे एक्वेरियम के अंदर। चलो इसको लगाते हैं जरा, बट मैं पहले ऐसे ही 3 पीस और बनाऊंगा ताकि दूसरी साइड का भी हो जाए, क्योंकि हमें एक स्टैंड लाइट बनानी है ऐसे करके, तो उसके लिए एक्वेरियम के दोनों साइड पे ऐसे हुक चाहिए हमें। तो ऐसा ही एक सेम पीस मैं और काट लूंगा इसके में से। हाँ जी, तो मैंने ये कुछ 6 पीस बनाए हैं, अभी इनको जोड़ के हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, यू ब्रैकेट। चलो इनको जोड़ के दिखाता हूँ आप सबको कैसे लगेगा सारा काम। मैं कुछ ऐसे करके जोड़ूंगा ताकि यू ब्रैकेट बन जाए, और फिर उसके बाद ये जैसे कि अगर ये एक्वेरियम की वो है वॉल, तो उसके ऊपर ऐसे ही ऐसे सेट के रह जाएगा। पहला ब्रैकेट बनाने की तैयारी, और मैंने बिल्कुल वो कर दिया इसको रेडी। हाँ तो जी, देख सकते हो कुछ ऐसा एक साइड से लग रहा है, मैं दूसरी साइड अभी चिपकाने वाला हूँ। हाँ तो जी, हमारा एक ब्रैकेट रेडी हो गया है, कुछ ऐसा दिख रहा है ये। बाद में इसके ऊपर से चैनल बनाऊंगा ताकि वो एक्वेरियम के ऊपर थोड़ा स्पेस कैप करे इतना, और फिर उसके ऊपर लाइट लगाएंगे हम। तो हमारा एक बन गया, इसको सूखने के लिए रखते हैं जब तक। ये हमारे दूसरे पीस हैं, इनको रेडी कर लेते हैं जरा, और इनको भी साथ में चिपका देते हैं।
हमारे दो ब्रैकेट तैयार हैं। अभी मैं डेमोंस्ट्रेट करता हूँ कैसे। ये ऐसे लग जाएंगे दोनों तरफ एक एक, फिर जब इनके ऊपर एक ऐसे स्टैंड आएगा उसके ऊपर हम लाइट रखेंगे। तो ये बन गए हैं। अब मैं जरा डिस्टेंस नाप लाता हूँ, उनके बीच में कितना गैप है, उसी हिसाब से हम क्रिएट करेंगे लाइट के लिए स्टैंड। हाँ जी, तो ऐसी कुछ दिखती है हमारी जो एक्वेरियम में लाइट लगती है नॉर्मली। और मैं दो चिपकू आते हैं, ऐसे दिख रहा होगा ये चिपकू, ये ग्लास या रिफ्लेक्टिव चिकनी सरफेस पर चिपक जाते हैं अच्छे से। तो इसमें ये दो आते हैं ताकि ये ट्यूब के अंदर डल जाए, मतलब ट्यूब इनके अंदर डल जाए। और ये नॉर्मली एक्वेरियम के लोग अंदर चिपकाए थे या फिर बाहर चिपकाए थे, तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस ट्यूब को एक स्क्वायर पीस के अंदर डालूँ और फिर वो स्टैंड इनके ऊपर अच्छे से स्टैंड कर जाए ऐसे करके। तो इसके लिए अभी एक स्टैंड बनाना है और ये ट्यूब उसमें डल जाएगी और वो स्टैंड अंदर इसके अंदर डल जाएगा अच्छे से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या वर्ड बोला वैसे मैंने। तो अभी इसके लिए मैं कुछ मेजरमेंट्स करके कुछ चीज़ें काटता हूँ पैनल्स, फिर देखने के हिसाब से उसको इस पोस्ट के अंदर फिट करेंगे। हाँ जी, तो मैंने हिसाब लगाया तकरीबन तो जो ये वाला बोर्ड है लंबे वाला जो मेरे पास था, मैं इसमें से 18 इंच लेंथ की 3 स्ट्रिप्स काटूंगा जिनकी चौड़ाई रहेगी लगभग 1.2 इंच। मैंने अभी कुछ थोड़ा सा हिसाब लगाया है तो मेरे एक्वेरियम की लेंथ मतलब जो लंबाई चौड़ाई है जो वो 18 इंच की है, तो मुझे 18 इंच की ट्यूब बनानी ताकि वो इक्वल सा दिखे। तो 18 इंच की ट्यूब बनाने के बाद मैं उसमें यू शेप की ट्यूब बना के उसके अंदर लाइट फिट कर दूंगा और उसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लगाकर एक कवर कर दूंगा ताकि लाइट ऊपर हैंग रहे उसके अंदर से पास थ्रू होके हैंग हो जाए। तो अभी चलो इसमें से स्टार्ट करते हैं काटना। 18 इंच की 3 स्ट्रिप काटनी है भाई। हाँ जी, तो एक साइड से मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ से 1.2 इंच की लेंथ का नाप लेता हूँ और फिर लंबी स्ट्रिप्स काटूंगा, बाद में उनको 18 इंच के हिसाब से सेट कर लूँगा। तो अभी यहाँ से 1.2 इंच देखना कितना चौड़ा आता है। तो इसमें हनीकॉम डिज़ाइन होता है तो इसमें बॉक्सेस छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे और ये थोड़ा हल्का भी रहे। तो अभी मैंने काउंट किया है तो 6 होल्स बीच में आ रहे हैं 1.2 इंच के। तो मैं 6 होल करके ऐसे गैप में 3 स्ट्रिप्स लंबी काट लेता हूँ इसमें से अभी एक बारी। तो हमारी पहली स्ट्रिप आ गई है, इसके एजेस थोड़े रफ हैं तो मैं इनको कट करके शार्प कर लूँगा। पहले एक बार देख लेता हूँ कि एक्यूरेट है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ, तो 6 बराबर है दोनों साइड से। तो ऐसे ही पहले 2 स्ट्रिप्स और काटता हूँ फिर इनको क्लीन करेंगे अच्छे से। जरा इसको देखना एक बारी तुम, ये देखो ये अभी इसके साथ खेलने लगी हुई है, ढक्कन है वो, ये देखो अब उसके अंदर जाके बैठ जाएगी। ये देख लो, ये देखो, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ दिखेगा थोड़ा सा ना, ये देख लो कैसे उसके अंदर बैठी है महारानी, अभी इनके साथ खेल भी रही थी। सो उसको छोड़ो और जरा कैमरे को इधर, कैमरा बच गया, अब मेरा कैमरा नीचे गिर जाता और ये खर्चा बढ़ जाता बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारी तीसरी स्ट्रिप भी कट गई है, तो मेरे को एक नई ट्रिक पता चली, अब उसी काट रहा हूँ, बड़ा आसान पड़ रहा है इसको काटना। तो भाई हमारी 3 स्ट्रिपें रेडी हैं और अब जरा इनको अभी क्लीन कर लेते हैं। हाँ, तो भाई हमारी 3 स्ट्रिप्स जो हैं वो रेडी हैं और अभी इन 3 को एक साथ चिपकाने का काम करने का अपने को। ये देख लो इसको जाके वहाँ पे कटे हुए पीवीसी के पार्ट्स में मुंह मार रही है, खाने की कोशिश कर रही है। शांति नहीं होती, कुछ काम चल रहा हो तो उसके बीच में जरूर जाके उंगली करनी होती है इसको। हाँ जी, मैं बहुत झुकना पड़ रहा है मेरे को कैमरे मैन के। तो अभी प्लान कुछ ऐसा है, जैसे कहाँ गए हमारे ब्रैकेट, जैसे मैंने ये वाले ब्रैकेट बनाए थे, मैं ऐसा ही बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूँ जिसमें मैं हमारी लाइट को ऐसे अंदर करके फिट कर दूं। तो अभी एक साइड की पेस्टिंग करेंगे, ग्लू गन गर्म हो रही है जब तक, फिर दूसरी साइड की पेस्टिंग करेंगे और इसको सबसे एंड में ही हम उसके अंदर डालेंगे। अभी मेजरमेंट्स करके उसको बस चिपका के एक ठोस वो बना लेंगे।
हाँ तो जी, हमारी बड़े वाली ट्यूब भी रेडी है, यू शेप है, और इसमें हमारी जो लाइट है वो आराम से फिट आ रही है। अब मैं इसके दो पार्ट्स को ऐसे कवर कर दूंगा, आधा इस साइड से और एक इस साइड से। जो बीच का पोर्शन बचेगा वहाँ से सिर्फ और सिर्फ लाइट आउट होगी यहाँ पे। तो अभी इनको कवर करते हैं दोनों, अभी इनको दोनों साइड से कवर करते हैं जी। तो अभी इस कवर को यहाँ से क्लोज करूँगा, इस कवर को यहाँ से क्लोज करते हैं जल्दी जल्दी, और इसको निपटा के काम खत्म करते हैं, क्योंकि फिर इसका स्पोर्ट ब्रैकेट भी बनाना है बाद में। सो, हमारी ट्यूब रेडी है। ये बीच का गैप वो है जहाँ पे लाइट बाहर आएगी और जहाँ से लाइट निकल के एक्वेरियम में जाएगी। बाकी सारा हमारा कवर हो गया है और मैं इसको ऑल ब्लैक पेंट कर दूंगा एंड में, जब सब कुछ चिपक जाएगा तब। तो अभी हमारा लाइट का डॉक रेडी है और हमारा हब रेडी है। इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए एक बीच में वो बनाना पड़ेगा हमें, जिससे मैं इतना गैप नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा उठा के रखूंगा इसको थोड़ा सा ऊपर, ताकि लाइट थोड़ा अप ऊपर से लगे इनके ऊपर और थोड़ा रिफ्लेक्शन भी अच्छा आए और दिखने में भी अच्छा लगे। तो इनके बीच में इतने इतने गैप का कुछ एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये ऐसे हैंग हो जाए दोनों साइड। ये पीस फुल्ली रेडी है और हमारे दो छोटे छोटे स्टैंड भी। तो अभी तीसरी चीज़ क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर तक मतलब वहाँ पे सेट करके देखा इनको ऐसे ही, तो हमने डिसाइड किया कि जैसे कि बाहर धूल वूल बहुत उड़ती है, और जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो भाई इंडिया में तो मतलब घरों के अंदर भी नॉर्मली धूल उड़ती रहती थोड़ी थोड़ी करके, और प्लस मेरे घर पे कैट भी है तो कैट के बाल उड़ते हैं भाई, थोड़े थोड़े उड़ते हैं ऐसे कितना कुछ को, तो बार बार पानी में जाए गिरेंगे। अभी जो कवर है उसमें थोड़े बहुत चले जाते थे, बट अभी क्या डिसाइड किया है कि अभी, अरे यार हाथ में आ जाए एक बारी, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा पीवीसी शीट का पीस पड़ा था। तो अभी ये डिसाइड हुआ है मैं इस पीस को मतलब काट के और एक्वेरियम के जो ऊपर मतलब कवर जितना मतलब एक्वेरियम का ऊपर का एरिया है उतने साइज का एक ढक्कन है मतलब कवर बनाने वाला हूँ। और लाइट का मैं क्या करूँगा, जो इसका ये बीच वाला एरिया है यहाँ पे, जो ये एरिया है यहाँ पे एक बीच में होल करूँगा उसको, मतलब सेट करने के बाद इस पीस को इसके ऊपर सेट मतलब पूरी रख के बेसिकली, और डायग्राम बना के देख लें कि होल कहाँ करना है, और इसमें एक होल करूँगा जिससे कि हमारी लाइट उस छेद में से आर पार हो जाएगी और ये एक्वेरियम का ढक्कन हो जाएगा। और स्टैंड्स को हम यहाँ पे दोनों साइड चिपका देंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये प्रॉपर ऐसे फिट हो जाएगा उसके ऊपर। तो चलो आए काम शुरू करते हैं, इसको काटते हैं पहले तो मेजरमेंट्स के हिसाब से बराबर बराबर। तो हमारा ढक्कन रेडी हो गया है, अब इसके ऊपर इसको फिक्स करते हैं। और मैंने ये देख सकते हो इससे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है, क्योंकि ये इसको फिक्स करनी है और बेसिकली मुझे टैंक से साइडों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बनाया है। तो अब इसको सेंटर में पेस्ट करते हैं, बाकी फिर पेंट वेंट का काम बच जाएगा। चलो पहले इसको निपटाते हैं जरा, और हाँ इसमें बीच में एक होल करना है अभी, तो होल भी करेंगे पहले। कितना क्लीन कट बना है यार, इसी का क्लीन क्या कट क्या दूंगा मैं। और हेलो भाई, इतने से एरिया में से लाइट आएगी सिर्फ, यार सेक्सी लगेगा ये लगने के बाद ऊपर ढक्कन, और इसके ऊपर पता है बाद में चाहे तो कोई प्लांट या फिर कुछ और भी रख सकते हैं, ये अच्छा कवर बन जाएगा इसके लिए।
तो देख लीजिए कैसा लगा पेंट होने के बाद। एक्चुअली में सीन थोड़ा ये वही वाइट वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे पास जो ब्लैक पेंट बचा था वो थोड़ा सा ही कैन में थोड़ा सा ही बचा था जो स्प्रे कैन है, तो ये जितना कलर हो सका मैंने उतना कलर इस पर कर दिया। बाकी मैं फ्यूचर में जब दोबारा कभी ब्लैक कैन लेके आऊँगा पेंट का तब इस पर और अच्छे से मार दूँगा। अभी तो ये कुछ मतलब देखो पहले कॉम्पले तो फार बेटर लग रहा है, ये तो खुद ही देख के जज कर लेना ये कौन से वाला था बेटर है। मैंने बिफोर शॉट तो मैं पहले भी दिखाया था, अब मैं बिफोर और आफ्टर शॉट दोनों लगा दूंगा इसके अंदर। तो जी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश तो बहुत करी थी थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्डिंग हो, पर ये देखो मैं जब कुछ बनाने बैठता हूँ तो रिकॉर्डिंग कुछ अच्छे से हो नहीं पाती मेरे से, कई बार ही होता है मेरे साथ। तो भैया आई होप सबको ये टैंक कवर अच्छा लगा होगा, ये कुछ DIY था और मेरे को एग्जैक्टली वो बल्की टैंक मतलब फिश टैंक के ऊपर जो एक कॉनिकल बल्की होते हैं ना, ये मेरे को कुछ खास अच्छे लगते नहीं है। और मैंने YouTube पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छे इकोसिस्टम देखे हैं एक्वास्केपिंग के, तो सब ऊपर से ऐसे एम्प्टी होते हैं, ऊपर से लाइट गिर रही होती है, बड़ा प्यारा लग रहा होता है। एक तो मैं उसको मेरे एरिए में कर नहीं सकता क्योंकि देखो मेरी बिल्ली का यही घूमी, देखो ये बैठी, ये हमारे शहनशाह, इसके बाल इतने उड़ते हैं घर के अंदर, मतलब ज़्यादा नहीं उड़ते, बहुत कम उड़ते हैं, पर सबसे लाइट वेट बाल होते हैं कैट के, तो इसलिए वो एयर में इजीली ज़्यादा उड़ जाते हैं। जैसे ही झटकती है तो फिर बाल हवा में पंखे के साथ, पंखा भी चलता है तो पंखे के साथ उड़ते रहते हैं, तो कई बार वो वाटर के ऊपर जाके तैर रहे होते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा मेरे इधर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है घर के नीचे ही, मतलब अभी थोड़ा सा गर्मी की वजह से पानी की दिक्कत चल रही थी तो रोड खोदा हुआ था उन लोगों ने, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे एरिया में, और प्लस अभी कुछ दिन से आंधी तूफान भी ज़्यादा ही आ रहे हैं दिल्ली में, पता नहीं हो कह रहा है बारिश नहीं आ रही पर आंधी बहुत ज़्यादा आ रही है। आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे एडिटिंग ऑलमोस्ट हो गई है, मैं आउटरो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद यही डालना है और एक्सपोर्ट करना है वीडियो को सिर्फ। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, आप लोगों को मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। आई होप मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान हो रहा है, तो अगर बाहर जाऊँगा तो बाहर की मतलब अच्छी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करके लाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।